हैदराबाद और चेन्नई इस सीजन दूसरी बार आमने सामने। पिछली बार वार्नर की टीम ने सुपर किंग्स को 7 रनों से हराया। प्रियम गर्ग अपनी हाफ सेंचुरी की वजह से बने मैन ऑफ द मैच। इस बार क्या होगा, क्या होना चाहिए, सब बताएंगे आकाश चोपड़ा T20 टाइम आउट पर। आकाश, सनराइजर्स अब तक 7 में से 3 मैच जीते, 4 हारे, CSK सिर्फ 2 मैच जीते और 5 हारे, ऐसा देखने की हमें आदत नहीं है। लेकिन इस 5 पॉइंट प्रीव्यू का पहला पॉइंट, क्या मोहम्मद नबी को वापस लाना होगा? 2 दिन पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मनीष पांडे ने अच्छा फॉर्म दिखाया। हालांकि विलियमसन ने एक अहम कैमियो जरूर खेला, लेकिन बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार की कमी खली। क्या ऐसे में बेहतर बैलेंस के लिए विलियमसन के बदले मोहम्मद नबी को लाने के बारे में सोचा जा सकता है? देखिए, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचूंगा। हालांकि नबी मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अजीज है, मैं चाहता हूँ वो सारे मैच खेलें, पर वो एक गलत टीम में फंस गए हैं। क्योंकि अगर किसी और टीम में होते तो शायद सारे मुकाबले वो खेल रहे होते, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, CPL बहुत अच्छा करके आए थे। पर इस टीम का जो बैलेंस्ड है, वो उसी बात पे निर्भर है कि 3 ओवरसीज बल्लेबाज खेलें। पांडे जी ने रन बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो एंड में आके विलियमसन वो 2 छक्के 1 ओवर में जोफ्रा को नहीं मारते तो ओवर में 19 रन नहीं आते। और उससे पिछला मैच भी जब आप हार रहे थे, आपने विलियमसन को खिलाया, वो पहला मैच था आप जीते। विलियमसन की वैल्यू बहुत ज्यादा है इस टीम में। अभी जब जब ओपनर्स चल जाते हैं तो हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन जिस दिन ओपनर्स फेल करते हैं ना, तो फिर हम वापस देखते हैं केन प्लीज बैट बिकॉज वी नो यू कैन। तो वो केन कैन बैट के लिए आपको उनको खिलाना पड़ेगा। मोहम्मद नबी अनफॉर्चुनेटली इस मैच में मुझे तो खेलते हुए नजर नहीं आ। इंडियन बोलिंग ग्रुप की बात कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। संदीप शर्मा की जगह क्या नदीम को मौका मिलना चाहिए? आकाश, अपने पिछले मैच के रिव्यू में कहा था कि संदीप शर्मा एक थोड़ा सा वीकलिंग साबित हो रहे हैं, क्या नदीम की ओर रुख करना चाहिए? देखिए, आप कर सकते हैं नदीम की तरफ रुख, क्योंकि आप अभिषेक शर्मा से भी गेंदबाजी तो करवा ही रहे हैं। आपके पास बोलिंग में ये अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, ये जो हैदराबाद की बात होती है, इसको जब भी हम बात करते थे इस टीम के बारे में पिछले 3-4 साल से, हम इनकी बोलिंग की बात करते थे एज अ स्ट्रेंथ। राइट नाउ इट्स देयर वीकनेस, क्योंकि भूवी नहीं है। अब भूवी चले जाते हैं तो सारी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है राशिद खान के कंधों पर। नटराजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, खलील कभी अच्छा करते हैं कभी ओके करते हैं, तो कमजोरियां तो है। आप चाहे वो शाबाश नदीम के पास जाएं या फिर वो बेजिल थम्पी की तरफ देखें, इनके पास विकल्प बहुत सारे हैं। इन्होंने पृथ्वीराज यारा को भी इन्होंने पिक किया है, तो बहुत विकल्प के साथ ये एक्चुअली बोलिंग विकल्प के साथ इस टूर्नामेंट में आए जरूर हैं, पर अभी ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी थोड़ी सी कम है। बट इफ दे चूज टू प्ले शहबाज नदीम इन प्लेस ऑफ संदीप, मैं कहूंगा बिल्कुल खिला लीजिए, शहबाज आपको 4 ओवर देंगे। राइट, तीसरा पॉइंट, चेन्नई के लिए चेजिंग की नई योजना क्या बननी चाहिए? देखिए, ओल्ड इज गोल्ड ये कहावत हमेशा सही साबित नहीं होती। CSK ने बीते हुए कल में कई बार वो टॉप गियर थोड़ा सा देर से लगाया, मैच जीते, टूर्नामेंट भी जीते, लेकिन क्या वो पत्ता अब काम नहीं आ रहा? अब CSK कैसे अपनी चेजिंग फिलोसफी को रिवैम्प करे? देखिए, वो फिलॉसफी जिसकी बात कर रहे हैं, वो फिलॉसफी तभी फिलॉसफी रहती है अगर उसमें आपको सफलता मिल रही हो। अगर एक्सटेंडेड रन पर आपको हार मिल रही है तो फिर ऑफकोर्स यू गॉट टू चेंज, और अब इट्स अबाउट टाइम ऑल्सो। पर एक और चीज जो हमने शुरू में बात की ना मनीष, एंड आई थिंक दर्शकों को ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि अभी ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट में सनराइज हैदराबाद एक्चुअली बहुत अच्छा खेल रही है। डेफिनेटली चेन्नई से तो बहुत ही बेहतर खेल रही है, पर अगर ये मैच चेन्नई जीत जाती है तो दोनों एक ही पड़ाव पे खड़े होंगे, दोनों एक ही कश्ती में सवार होंगे। तो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ वेयर द टू टीम्स आर, दे आर इन द बॉटम हाफ, और एक ही जीत आपके बिल्कुल पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है। दैट्स व्हाट चेन्नई विल हैव टू थिंक, और थोड़ा सा और अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता, उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई बाहर से किसी को ला नहीं सकते। धोनी अपने आप को ऊपर कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, भाई ऊपर ही आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए। जगदीशन एक्चुअली बैटेड वेल इन द प्रीवियस गेम, तो होपफुली शायद इस बार और खुल के खेलेंगे, उनके अच्छा खेलने से हो सकता है राइडू खुलकर खेले और एवरीथिंग मे जस्ट फॉल इन प्लेस। पर उसके लिए मुझे तो लगता है पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चेज करते हुए ना चेन्नई में वो दम नजर नहीं आ रहा जो पहले आया करता था। थोड़ा सा रेडिकल थॉट है, शायद ही कोई इस बात से सहमत हो, लेकिन एक सोच है, क्या करण और जाडेजा को धोनी से पहले आना चाहिए? देखिए, अब अर्जुन से पहले आप करण के पास जा रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ आपने सैम करण का भी नाम क्यों नहीं लिया, सैम करण। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा थोड़ा रेडिकल थॉट है, आप जड्डू का इस्तेमाल बतौर बल्लेबाज नहीं कर रहे हैं, विच इज अ फेयर कॉल। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं करण शर्मा को भी पहले आना चाहिए, सैम करण को भी पहले आना चाहिए, फिर जड्डू को भी पहले आना चाहिए, फिर धोनी को भारी बैठ जाना चाहिए, आई मीन दैट विल बी अ ट्रैविस्टी। और कप्तान है टीम के, फॉर्म इन्होंने दिखाया था पिछले 2 मुकाबलों में, इनफैक्ट द गेम जिसकी हम बात कर रहे थे सनराइज हैदराबाद, उसमें भी वो अंत में थके हुए थे, बहुत मुश्किल हो रही थी, पर 7 रन से आप इसीलिए हार रहे थे क्योंकि धोनी एंड में छक्के मार रहे थे, उन्होंने छक्के 1-2 मारे उस मैच के अंदर,
तो उम्मीद यही है कि वहां से यहां तक धोनी के फॉर्म में अंतर आ चुका होगा, क्योंकि क्लास की हम यहां चर्चा नहीं कर रहे, और इस जो पाठशाला के अध्यापक जो हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी, तो उनके ऊपर सबको नहीं भेजूंगा मैं कहूंगा धोनी आप बेशक हो सके तो चार पे आओ, हो सके मन करे तीन पे आ जाओ, लेकिन अगर करण शर्मा और बाकी सभी इनसे पहले आएंगे तो फिर तो मजा ही नहीं आएंगे। वैसे जब मैंने करण कहा तो मैं सैम करण ही कह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, सीएसके के हालात ऐसे कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। हमारे इस प्रीव्यू का पांचवा आखिरी पॉइंट, अब क्योंकि दूसरा हाफ है टूर्नामेंट का, स्पिनर्स को शायद और मदद मिल सकती है, तो क्या इमरान ताहिर का केस बनता है? अगर हाँ तो किसके बदले? तो देखिए आप उनका केस बना सकते हैं, क्योंकि ये नियर परफेक्ट 11 तो ढूंढ लिए धोनी ने। वो परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि सफल 11 ढूंढ लिए, दैट्स देयर आर एक्चुअली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स, देयर नॉट एक ही बात नहीं है, तो खिला सकते हैं, लेकिन किसकी जगह? मैं कहूंगा सैम करन की जगह। आप ड्वेन ब्रावो को रहने दीजिए, क्योंकि आपके पास डेथ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। शार्दुल ठाकुर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दीपक चार से आप बार बार करवा नहीं पा रहे, इनफैक्ट पिछले मैच में आपने एक ओवर उनका छोड़ दिया, हालांकि तीन जो थे वो बड़े इकोनॉमिकल और सफल ओवर थे। तो मुझे लगता है ब्रावो के साथ तो आप जुड़े रहिए, और उसके अंदर अगर एक बदलाव करना है इस मैच में हो सकता है ताहिर, क्योंकि सामने तीन आपके पास ओवरसीज बल्लेबाज हैं। अगर किसी और टीम होती तो मैं कहता हूं जॉश हेजलवुड की तरफ आप देखिए, जहां पर ज्यादा भारतीय बल्लेबाज आपको नजर आए, पर देयर इज अ केस फॉर इट, क्योंकि अगर आप 170 चेज नहीं कर पा रहे तो फिर कोशिश कीजिए कि सामने वाली टीम को 150 पे रोक दीजिए, क्योंकि शायद वो आपकी विद इन रीच रहे। तो बहुत सारे ऑलराउंडर्स देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर अगर वो काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि सैम करन की बोलिंग इज लुकिंग अ लिटिल 50-50 टू मी, वो डेथ में बोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। एक ओवर मुझे याद आ रहा है वो आरसीबी के खिलाफ भी उनका बहुत महंगा गया था, और अगर ऐसे एक एक करके कई ओवर महंगे हो जाएंगे ना, तो फिर लेने के देने पड़ रहे हैं इस टीम को। तो मे बी इमरान ताहिर इन दिस गेम, जॉश हेजलवुड इन द नेक्स्ट। राइट, चेन्नई सुपर किंग्स पहले 7 मैचों में 5 हारे, लेकिन ये जो मैराथन है आईपीएल का, ये 2 लाख का मैराथन है। सेकेंड सेट ऑफ 7 मैचेस इस मैच के साथ शुरू होने वाली, हो सकता है कि सीएसके की किस्मत बदले। ये तो प्रेडिक्शन अगर पूछूं तो थोड़ा दिल पर पत्थर रख के आपको कहना पड़ेगा हैदराबाद, या फिर कोई और सोच है? अब देखिए मैंने ये इस प्रीव्यू में पहले भी ये बात की कि ज्यादा अंतर है नहीं, लग रहा है कि बेहतर है हैदराबाद, लेकिन हालत उनकी भी उतनी ही साधारण है मेरे विचार में। अगर सीएसके का कोई चांस है, और ये पहले जो पहली लैप की जो आपने बात की ना, 2 लैप्स की ये आईपीएल रहती है, तो पहले लैप के अंदर भी 2 मैच है जो उनको चुभेंगे बहुत जोर से, एक हैदराबाद से हार, एक कोलकाता से हार। पर अगर कहीं टर्न अराउंड करना है, जिस कलर की आपने टी शर्ट पहन रखा है उस टीम को, तो फिर यही वो मुकाबला है, क्योंकि सामने वाली टीम उतनी मजबूत नहीं है। तो दिल तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चेन्नई, दिमाग कह रहा है कि नहीं यार इस टीम में उतना दम शायद नहीं है। तो दिल विद धोनी, दिमाग विद वार्नर। यह असमंजस हर आईपीएल व्यूअर का है, किसे चुने किसे ना चुने, लेकिन देखो ऐसा कि हमें इस साल हमारी गाड़ी पर पॉज लगाना पड़ेगा। हो गया हमारा 5 पॉइंट का ये प्रीव्यू, थैंक्स सो मच आकाश चोपड़ा फॉर जॉइनिंग अस। ये स्पिन क्रिकेट पर रिव्यूज, रिव्यूज की गाड़ी चलती रहेगी।